हाय गाइस, आज हम लोग आए हैं यहाँ पे सांची, मध्य प्रदेश का जो पर्यटन स्थल है। भाई प्रवल भाई बता, मतलब यहाँ का क्या, कैसे, मतलब किस लिए फेमस है ये पर्यटन स्थल? सांची के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, देखो बहुत टाइम से रिलेटेड, मतलब फेमस है ना, गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ। अभी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से कि आप लोग सांची में कैसे मतलब अंदर जाएंगे। तो ये दो रास्ते जाते हुए, एक जे जिसके बाइक के थ्रू या गाड़ी के थ्रू आप लोग जा सकते हैं, और एक जे जो आप पैदल जो लोग जाना चाह रहे हैं वो देखिए, जहाँ से सीढ़ी दी गई है जो आप ऊपर आसानी से जा सकते हैं, और जो पैदल वालों के लिए शॉर्ट रास्ता पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ से पैदल जाएंगे सीढ़ियों से, क्योंकि हम लोग बाइक से तो आए नहीं है, तो सीढ़ियों से जाएंगे और आपको आगे दिखाते रहेंगे कि यहाँ पे सांची में क्या अच्छा है। पूरे मेरा ये पहला व्लॉग होने वाला, वैसे मेरा टेक चैनल है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, व्लॉग तो बना ही सकते हैं, बट मैं मेरा पहला व्लॉग है तो आप लोग जरूर देखिए और बताइए। बाकी मेरे फ्रेंड लोग भी आए हैं जो आगे खड़े हैं, मैं उनसे भी मिलवाऊंगा। और एक माय फ्रेंड प्रबल और व्हाइट, बीच में तंजिला, और आगे जो जा रही है वो आकांक्षा। बंद नहीं है ना, वीडियो व्लॉग बना रहे हैं। हाय हाय सही है। और ये देखिए आपको व्यू कितना शानदार दिख रहा है यहाँ पे, देख सकते हो आप ये, और मैं आगे आपको जाके दिखाऊंगा। अरे तंजिला थोड़ा वीडियो बना। सुनो तो आगे मैं आपको बताऊंगा। और ये हमारा नितिन पागल दोस्त, पाइन एप्पल कट लेके, ये काफी अच्छा दिख रहा है ब्लैक और व्हाइट ड्रेस में। प्रबल और इसका ड्रेस का कलर एकदम मैच है। सही है, सही रहेगा यार, अच्छा बनेगा। और आगे साइड दिखाते, और ये यहाँ से देखिए कितनी सारी झाड़ियाँ दिख रही हैं, और पहाड़ी भी है बट इसमें व्यू, ये देखिए कितनी प्यारी है यहाँ पर। ये सब हमारे मध्य प्रदेश की शान, और ऐसा कुछ कुछ एक ट्रेंड खत्म होने वाला है, और यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं थोड़ी सी फोटो ले ली जाए, व्लॉग तो बनता ही रहेगा, वैसे भी हम लोग अभी फोटो लेके ही आए, और यहाँ पे अगर रेस्ट करना हो तो रेस्ट करने के लिए भी है। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती हैं, इतना ये कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद यहाँ ऊपर आना पड़ता है, इसके बाद गाड़ियाँ पार्क होती हैं। बहुत थक गया हूँ मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ते चढ़ते, तो आवाज अच्छी नहीं आ रही। बाकी ये देखिए अभी हम लोग जब थोड़ी देर में स्तूप के पास पहुंच जाएंगे, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पर, दूर दूर से श्रीलंका से भी लोग आते हैं बौद्ध धर्म के, और यहाँ पर आके पर्यटन स्थल एंजॉय करते हैं। सांस ले लीजिए। हाँ आकांक्षा कुछ तुम बताओ, और बोल दो मैं किसी से कहूंगा नहीं। अब यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी रीजंस हैं, यहाँ से हम लोगों को टिकट दिखा के अंदर जाना पड़ेगा तभी हम लोग यहाँ पे जा पाएंगे। और ये देखिए हमारे फ्रेंड थोड़े आगे जा रहे हैं, और ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की कुछ चीजें जो यहाँ का, एक तो सांची में घूमने का मैप बना हुआ है, ये देखिए ये देखिए द बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स एट सांची, और यहाँ पे हम लोग टिकट दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे बैग वैग हम लोगों के जमा होंगे, फिर इसके बाद आगे जाने को मिलेगा। ये लिखी हुई है किस लिए हम यहाँ पे सांची का स्तूप घूमने आते हैं, विश्व दाय स्मारक लिखा हुआ है सांची, यहाँ सांची स्मारक विश्व की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण कन्वेंशन द्वारा विश्व दाय सूची में नामांकित किया गया है। कोई भी ऐसा स्मारक या प्राकृतिक स्थल जो मानवता के लावार संरक्षण के योग्य समझा गया है वो विश्व दाय सूची में नामांकन उसके विशिष्ट सर्व और भौमिक महत्व की पुष्टि करता है। तो आप ये देख लीजिए, और इसके बाद मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, यहाँ से ये स्तूप दिख रहा है, वहाँ पास से भी जाके दिखाऊंगा। और ये देखिए यहाँ पे लोग घूमने आते हैं, काफी अच्छा व्यू है यहाँ का, और ये लोग हमारे फ्रेंड जो है वो मुंह धुलने जा रहे हैं, और यहाँ से देखिए ये, फिर मैं आगे आपको और दिखाता हूँ।
काफी लोग हैं शायद बताएंगे। बहुत अच्छा शानदार व्यू है यहाँ का, आप देख सकते हो हरियाली भी बहुत है, फिर पेड़ यहाँ पे, और हम लोगों को बहुत चढ़ना पड़ा है। ये देखिए आप देख सकते हो वो सामने एक कुछ मंदिर जैसा दिख रहा है, वहां जाके हम आपको बाद में बताएंगे। ये देखिए स्तूप, ये बहुत थक चुके हैं, हमारी आवाज नहीं आ रही होगी ना क्लियर, कोई बात नहीं एडजस्ट कर लेना। और ये देखिए हमारे फ्रेंड आगे भाग रहे हैं और हम वीडियो बनाने के चक्कर में पीछे पीछे रह गए, तो मैं भी जा रहा हूँ और आगे का आपको दिखाऊंगा अभी। अब यहाँ से देखिए हम मंदिर तक आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ से बहुत अच्छा रहने वाला। अभी ये ऊपर जो देख रहे हो आप, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे तुम कुछ बोल बता दो यार कुछ हमारे सब्सक्राइबर को। देखिए हम लोग सांची के स्तूप पे जो है उस पे चढ़ने जा रहे हैं, ये रही सीढ़ियां, देखिए कितना अच्छा शानदार व्यू है यहाँ का। ये चढ़ते हुए जा रहे हैं अभी, और यहाँ से आप देख सकते हो ये साइड में कितना शानदार दिख रहा है यहाँ से, और ये लोग देखने वाले हैं। ये देखिए वहां पीछे पीछे जाके देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, ये यहाँ से पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, वो क्या मतलब शानदार दिख रहा है वहां से। ये रहा वो स्तूप, ये और ये देखिए हमारे फ्रेंड खड़े हुए हैं जो आगे से आगे ही उछल के पहुंच जाते हैं। ये लोग कभी अच्छे से ढंग से वीडियो ही नहीं बनाने देते हैं, बस जाके पोज वोज देते रहते हैं कुछ भी। और सामने वो पहाड़ देखिए कितना अच्छा शानदार आ रहा है व्यू वहाँ का, ये देखिए गेट नंबर दो, स्टूप दो तो गेट नंबर दो, ये गेट नंबर दो है ना ये, और आगे भी आपको दिखाऊंगा इसे घूमने के बाद, यहाँ से घूमना है पूरा। ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से सारा यहाँ का व्यू दिख रहा है, यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं, लोग यहाँ पे बैठ के फोटो लेते हैं, और ये देखिए नीचे का कितना शानदार दिख रहा है। यहाँ से फिर पहाड़ी इलाका उधर नीचे साइड स्टार्ट हो जाता है, थोड़े पेड़ और वो वहाँ पे एक पॉन्ड बना हुआ है, वहाँ पे पानी भरा हुआ है, ये देखिए जूम करके दिखा दे रहा हूँ मैं। इसके बाद ये तो आपको दिखाई दिया मैंने स्तूप यहाँ का ये सारा, और इसके बाद मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ यहाँ नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं वो, और वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं कुछ पेड़ों के पीछे वहाँ पे बैठे हुए हैं। और आगे मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको कि प्राचीन चीजें हैं आगे, जो चीज आप इतिहास में पढ़ते हो सांची का स्तूप आपने पढ़ा ही होगा। और इसके बाद ये यहाँ पे बैठने के लिए चेयर पड़ी हुई है, अभी मैं नीचे जाके आपको दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे कितने आराम से देखिए आ रही है पास में एकदम से, देखिए ये फोटो खिंचवाने के लिए यहाँ सांची के स्तूप में। ये देखिए मुझे डर लग रहा है ये। और ये आकांक्षा किसका फोन टूट गया यार, अभी दिखाओ आकांक्षा फोन दिखाओ, दिखा 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 दिखाना, इसका भी फोन टूट गया फोटो लेते हुए यहाँ पे स्तूप के पास, देखना वो फोटो निकाल रही बेचारी बहुत दुखी होगी, नया फोन था उसका, कौन सा है नोट 4 था यार, देखो सारा मतलब टेम्पर तो टूटा ही है टेम्पर के साथ में, और डिस्प्ले की डिस्प्ले भी टूट गई बेचारी बहुत रो रही है, तो यार वीडियो को देखो और अपना प्रमोशन, अगर वीडियो पे 1 लाख से ज्यादा व्यू आते हैं ना तो तुम्हारे लिए 2000 रुपए हम दे देंगे ठीक है। वो वीडियो स्तूप और वहाँ से हम लोग अभी चल के आ रहे हैं जहाँ से आपको दिखाया था, इसके बाद प्रवल इस साइड में थोड़ा दिखा दे, ये देखिए जो बाबरी टाइप में जो ऊपर से आपने देखी थी कितनी सुंदर लग रही थी, मगर नीचे आके देख काई जमी हुई है। और यहाँ पे जो सेकंड नंबर का स्तूप है ना वो बहुत ज्यादा दूर है, मतलब हम लोग बहुत चल के आ रहे हैं और यहाँ पे एकदम से जंगल जैसा दिख रहा है, कोई भी नहीं है, और
यहाँ पे कुछ शायद जंगली जानवर भी हो सकते हैं चारों तरफ, जैसे कि आप देख सकते हो, देखो कैसी झाड़ियाँ हैं। और ये हम लोग जाते हुए वहां पे बहुत है, यहाँ पे गिरने का भी डर है वीडियो बनाने के वजह से, कहीं गिर ना जाए, नीचे की साइड जाना है। ये देखिए यहाँ से चलते हुए काफी लोग आ रहे हैं, नीचे पानी भरा दिख रहा है मुझे तालाब, वहां जब पास पहुंचेंगे तो दिखेगा शायद। इसके बाद ये देखिए अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग दूसरे स्तूप के पास आ गए, उसके पास एक तालाब है छोटा सा, ये देखिए बहुत गंदा पानी भरा हुआ है यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग अब जा रहे हैं दूसरे स्तूप की तरफ, देखिए कितना मतलब यहाँ पे एकदम सुनसान एकदम पड़ा रहता है, बाकी घूमने के लिए बहुत शानदार है। यहाँ पे बस केवल 30 रुपए का टिकट लगता है, 30 रुपए का, इसके बाद आप फिर कितना भी घूमिए, अगर कोई फॉरेनर है या कोई और तो उसके लिए 500 रुपए का लगेगा। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे गार्ड बैठे हुए हैं कि मतलब बहुत सुनसान रहता है तो समझ लो क्यों बैठे होंगे। और बाकी ये यहाँ पे दूसरा स्तूप, दूसरे स्तूप में कुछ लिखा हुआ तो वो इसे आप वीडियो पोस्ट करके देख लेना। नीचे भी कुछ है यहाँ पे, ये मैं दिखा दे रहा हूँ, उल्टा आएगा वीडियो में तो उल्टा आ रहा है ना, कोई पढ़ ही नहीं पाएगा। नीचे मैं से एक बार आपको घूम के दिखा दे रहा हूँ, वो ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ का मुझे भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो केवल आप बस व्यू पे ध्यान दीजिए और बाकी तो ऐसे ही है सब। यहाँ पे देखिए ये यहाँ से नीचे की साइड और बहुत गहरा है, अगर कोई गिर जाता है यहाँ पे तो फिर पता नहीं यार क्या होगा उसके साथ। और बाकी नीचे जंगल टाइप का भी बहुत है, ये बहुत अच्छा यहाँ का व्यू है। और यहाँ से फिर मैं आपको चारों साइड इस स्तूप के चारों साइड दिखा देता हूँ, यहाँ फोटो खींचने के लिए बहुत अच्छा है, अंदर भी जा सकते हो यहाँ से अपन, जैसे पहले वाले स्तूप में गया था मैं अंदर सीढ़ियों से, सेम वही है। इसके बाद ये यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं बट आज एकदम से सुनसान है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, और झाड़ियों की वजह से थोड़ा डर जैसा लगता है यहाँ पे लोगों को, तो शायद रात के वक्त तो एंट्री नहीं रहती यहाँ पे, रात नहीं जैसे ही शाम होती है। और मैं यहाँ पे अंदर स्तूप के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे देखिए हमारे फ्रेंड बैठे हुए हैं, ये दिख रहे हैं जो हम मेरा वेट कर रहे हैं कि मैं कब आऊं चक्कर लगा के आप लोगों को ये वीडियो दिखा के, वीडियो बना के आपके आप लोगों के लिए। इसके बाद ये मैं अंदर जा रहा हूँ, ये यहाँ से अंदर जाते हैं और ये देखिए सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ से। ये देखिए इसमें स्तूप में सबसे मेन चीज यहाँ की पेंटिंग है जो बहुत टाइम पहले बनाई जाती थी, मतलब उस टाइम की ये कला है। ये देखिए यहाँ पे फूल जैसी पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है यहाँ की पेंटिंग, आप जब आओ तो देखना अच्छे से, आप आओ तो ठीक है वरना वीडियो तो देख ही लो। इसके बाद ये सारी पेंटिंग्स हैं जो कॉलम में बनी हुई हैं और ये पत्थर है ये, और इसके बाद सारा पत्थर का ही बना हुआ है, मतलब जिसे आप टाइल्स जो भी मतलब अच्छा वर्क किया है यहाँ पे, उस टाइम बहुत अच्छी सिविल का होता था, उस टाइम काफी अच्छे इंजीनियर थे सिविल के बिना कोई डिग्री के, बट जो भी है अच्छा ही है यार। और घूमने के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ से मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से बाहर का व्यू, ये मैं जा रहा हूँ वापस फिर से फ्रेंड के पास, नहीं तो मुझे छोड़ के कहीं चले जाएं। कबूतर व्हाइट जो कबूतर रहते हैं ना आपने देखे होंगे, ही उड़ के जा रहे हैं ये यहाँ पे नीचे पूरा, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत मतलब क्यूट है एकदम से। फिर खरगोश मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये खरगोश है यहाँ पे, ये बैठा हुआ है, ये है देखो। इसके बाद यहाँ पे बतख, मतलब यहाँ पे आपको हर चीज देखने को मिल जाएगी, जैसे कि व्यू क्यों आप देख लो तो शानदार व्यू रहता है। और बाकी यहाँ पे ऑफिस है वहाँ पुरातत्व विभाग का। इसके बाद हम लोग व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं, सामने कैंटीन है, तो कैंटीन मिल जाएगी, कैंटीन है यहाँ पे खाने के लिए, कैंटीन भी है। और यहाँ से यहाँ का व्यू सबसे अच्छा व्यू यहाँ से मिलता है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखना व्यू, देख व्यू के लिए ही बना हुआ है यहाँ पे, देखिए कितना अच्छा दिखता है यहाँ से। यहाँ पे फोटो क्लिक करने लायक।
यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ का म्यूजियम है जो यहाँ पे बहुत पुरानी चीजें हैं पुरातत्व विभाग की, वो चीजें आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो नमो बुद्धा है लिखा हुआ है, और ये म्यूजियम बहुत अच्छा बड़ा म्यूजियम है। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, और ये यहाँ पे काफी घूमने के लिए भी बैठने के लिए भी अच्छी व्यवस्था है, मतलब काफी बड़ा है। केवल आपको 30 रुपए का टिकट लेना है बस, उन सारे 80 रुपए में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये देखिए मैं अंदर जा रहा हूँ, ये अभी अंदर जाके भी अगर कैमरा वहाँ पे अलाउ होगा तो मैं जरूर दिखाऊंगा जाके आपको। आगे है म्यूजियम में, ये देखिए यहाँ पे तोरण भाग पर राजसी मानव है, ये देखिए। इसके बाद मैं आपको सारी चीजें दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे क्या है, और ये एक हाथी के टाइप का कुछ दिख रहा है, इसका नाम है सवार युक्त हाथी, और ये आप यहाँ पे पुश कर करके पढ़ सकते हो आराम से। यहाँ पे ये मूर्तियाँ हैं जो भी है, ये मुझे तो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, आप लोग देख लो। और इसके बाद यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ये नेम टोरन और बुद्धा यक्षी लोटस, ये हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ, आराम से आके पढ़ लीजिए। इसके बाद ये हैं गौतम बुद्ध, ये देखिए ध्यान मुद्रा में बैठे बुद्ध यहाँ पे लिखा हुआ है ये। इसके बाद यहाँ पे आप खुश करके आराम से पढ़ते रहिए ताकि आपको समझ में आ पाए। गाइस तो फिर कैसा लगा आपको ये वीडियो, आज का पहला ब्लॉग था मेरा, और मेरा फ्रेंड भी था साथ में तो उसने बनवाया, और इसने बहुत हेल्प की हमें वीडियो बनाने। तो प्रबल तो कुछ बोलने वाला था, आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइए, और प्लीज ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड जितना हो सके शेयर कीजिए। बिल्कुल थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।